तो देखिए आ चुके हैं अभी हम प्रयागराज रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन ये नहीं है चूँकि ये रामबाग रेलवे स्टेशन है, प्रयागराज में ही पड़ता है, प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन बोलते हैं। और अभी फ़िलहाल में हूँ मैं एक नंबर प्लेटफार्म पे, और एक नंबर प्लेटफार्म यही है देखिए, और आपको दो नंबर और तीन नंबर पे भी लेकर चलेंगे। पहले एक नंबर को बाइक कैमरे से दिखा दे और एक्सिट गेट कहाँ है जहाँ से ऑटो ऑटो पकड़ सकते हैं वो भी दिखा दे, उसके बाद कोई ट्रेन आ रही है उसको भी थोड़ा दिखा दें। और ये है एक नंबर रेलवे प्लेटफार्म जो कि रामबाग का रेलवे प्लेटफार्म है प्रयागराज का, और यहीं से आपको ये दिखाना है कि मतलब एक्सिट गेट कहाँ पे है, क्योंकि इतने लोग भूल जाते हैं अक्सर, तो हम ये दिखाएंगे कि एक्सिट गेट यहाँ से कहाँ पे है। तो आपको दिखा रहे हैं इस साइड, अगर आप कभी भी आते हैं तो आपको भूल ना हो इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। देखिए इसी साइड से आप ज़्यादा टाइम देख लीजिए, यहाँ से एक्सिट गेट है और आगे की तरफ निकलेंगे तो इधर देखिए सहयोग, यहाँ पे कुछ पूछताछ केंद्र है, पूछताछ भी कर सकते हैं। और आगे और भी आगे आएंगे आप तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस साइड आते हैं तो यहाँ पे जितना सारा सवारी मिलती है तो सवारी यहाँ से छोटे बड़े शहरों के लिए यहीं से ही जाती है, मतलब संगम अभी के टाइम में लगा है तो वहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का मिलान होता है, वहाँ पे भी हम चलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन फिलहाल में आप ये देख लीजिए कि यहाँ से सवारी मिलता है और वो है टिकट प्रणाली। रुकिए एक बार जूम कर रहे हैं आपके पास, देखिए अन्नारछी टिकट प्रणाली यात्री मिश्रमालय, ठीक है, और यहीं से है प्रयागराज रामबाग, देखिए कुछ ऐसा ही है लोकेशन, और यहाँ से प्रवेश, तो यहीं से आप अंदर की तरफ भी जा सकते हैं। और इधर भी कुछ हम दिखा दें आपको, यही है नज़ारा यहाँ का, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है और इस साइड में मतलब ये तो लैंग्वेज हमको आती नहीं है। सो फाइनली भैया आ चुके हैं दो नंबर प्लेटफार्म पे, और इधर देखिए ये है दो नंबर प्लेटफार्म जिस पे ये ट्रेन लगी हुई है, और इस साइड है तीन नंबर प्लेटफार्म जो कि अब उस साइड है एक नंबर, सबको आपको बारीकी से हम दिखाएंगे। बट का है कि पहले हमें जाना पड़ेगा ओवर ब्रिज पे, क्योंकि ओवर ब्रिज से ही पार करेंगे ऐसा मतलब। चलिए आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा और चलते हैं, दिखाते हैं आपको रामबाग रेलवे स्टेशन जो कि ये जो ट्रेन लगी हुई है ये बलिया से 5:05 पे ओपन होती है वहाँ से, और यहाँ पे 12:20 पर छोड़ देती है आपको। तो आपको ये कन्फ्यूजन कभी नहीं रखना है कि मतलब आप कभी भी आते हैं अगर इस ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये ओनली फॉर रामबाग तक ही आती है, क्योंकि कितने लोग जानते हैं कि मतलब प्रयागराज जंक्शन जाएगी लेकिन प्रयागराज जंक्शन ना जा करके ये रामबाग तक ही रुक जाती है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही है और प्रयागराज जंक्शन। तो सो फाइनली भैया आ चुके हैं दो नंबर प्लेटफार्म पे, और इधर देखिए ये है दो नंबर प्लेटफार्म जिस पे ये ट्रेन लगी हुई है, और इस साइड है तीन नंबर प्लेटफार्म जो कि अब उस साइड है एक नंबर, सबको आपको बारीकी से हम दिखाएंगे। बट का है कि पहले हमें जाना पड़ेगा ओवर ब्रिज पे, क्योंकि ओवर ब्रिज से ही पार करेंगे ऐसा मतलब। चलिए आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा और चलते हैं, दिखाते हैं आपको रामबाग रेलवे स्टेशन जो कि ये जो ट्रेन लगी हुई है ये बलिया से 5:05 पे ओपन होती है वहाँ से, और यहाँ पे 12:20 पर छोड़ देती है आपको। तो आपको ये कन्फ्यूजन कभी नहीं रखना है कि मतलब आप कभी भी आते हैं अगर इस ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये ओनली फॉर रामबाग तक ही आती है, क्योंकि कितने लोग जानते हैं कि मतलब प्रयागराज जंक्शन जाएगी लेकिन प्रयागराज जंक्शन ना जा करके ये रामबाग तक ही रुक जाती है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही है और प्रयागराज जंक्शन। और आगे से आप देखिए इस ओवर ब्रिज से जाएंगे हम ऊपर, और जाते टाइम आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा मतलब नज़ारा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कितने नंबर तक प्लेटफार्म है, और यहाँ का मतलब अगर पिन कोड की बात करें तो शायद 208021 है, 208021 रामबाग का पिन कोड है जो कि प्रयागराज में ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफार्म है, आप अगर आते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए हम आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। यार बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अभी कुछ खाए पिए भी नहीं हैं, सो खाएंगे पिएंगे। पहले आपको यहाँ के फुल डिटेल्स दिखा दें हम थोड़ा, कि देखिए उस साइड एक नंबर प्लेटफार्म है और जिस पे चल रहा हूँ ये 2-3 नंबर प्लेटफार्म है, क्योंकि इस साइड 3 नंबर और इस साइड 2 नंबर। अब चलते हैं हम 4 और 5 नंबर प्लेटफार्म पे, और आ गए काफ़ी ज़्यादा ऊपर ओवर ब्रिज पे, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन जो भी बताऊंगा मस्त बताऊंगा। सो वीडियो को स्किप बिना किए देखते रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ठीक है आ गए देखिए ओवर ब्रिज पे,
सो देखिए यहाँ पे ऊपर आने के बाद प्लेटफार्म नंबर दिया है 2 और 3, जो कि मैं यहाँ से आया तो यहाँ से आते टाइम देखिए यहाँ पे प्लेटफार्म नंबर 2-3 दिया हुआ है और प्लेटफार्म नंबर 4-5-6 यानी कि 7 तक यहाँ पे प्लेटफार्म की संख्या देखा जाए तो 7 नंबर तक ही है, आप देख सकते हैं। तो 7 नंबर आगे जाएगा और अगर आप इस साइड उतरते हैं तो 2 ही 3 पे उतरेंगे। तो चलिए हमें 7 नंबर तक जाना है, तो चलते हैं अभी दिखाते हैं आपको, ऐसे ही जुड़े रहिएगा वीडियो में। और कभी भी आप रामबाग आते हैं, देखिए वहाँ से जो जा रही है वही शायद 7 नंबर रेलवे स्टेशन है, तो चलते हैं वहीं पे, देखते हैं शायद वो कौन सी ट्रेन है। देखिए जा रही है, एक बार जूम कर रहे हैं, रुकिए, यही है रामबाग रेलवे स्टेशन, प्रयागराज रामबाग। यहाँ से प्रयागराज जंक्शन की दूरी 2 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर है तो देखिए इधर भी ट्रेन एक लगी हुई है। और ज़्यादातर कैमरा नहीं हिलाऊंगा, वैसे भी फर्श है, फर्श पे कैमरा नहीं हिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे इधर भी कुछ मतलब जंगल टाइप का, यार ये देखिए ना जंगल टाइप का दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए चलते हैं और भी आगे,